हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लेंडर 4.2 कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है ब्लेंडर, और इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते ही यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिख जाएगा ब्लेंडर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, ब्लेंडर का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको होम पेज पे ही लिखा हुआ दिख जाएगा ब्लेंडर 4.2। तो आज के डेट में यही लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आप जिस डेट में इसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं उस डेट में यहाँ पे इससे ऊपर वाला वर्जन आ गया हो, तो भी आप सेम तरीके से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सेम तरीके से आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लेंडर 4.2 दिख रहा होगा, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए दिख जाएगा। या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे ऊपर सेकंड टैब देखेंगे डाउनलोड का टैब, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डाउनलोड करने के लिए दिख जाएगा ब्लेंडर 4.2। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप अदर ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एरो के निशान पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। यदि विंडो का एक से डाउनलोड करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं, पोर्टेबल चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, मैक के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लिनक्स के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, स्टीम से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फॉर्मेट दिख जाएगा, आप किस प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे आप उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप विंडो के लिए करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको डायरेक्ट exe डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपके केस में ऑटोमेटिक ये वाला विंडो ओपन न हो या ऑटोमेटिक डाउनलोड होना ना शुरू हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड मैनुअल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी exe को सेव करना चाहते हो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से exe डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने exe को सेव किया है, वहाँ पे आपके केस में भी ये वाला exe दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस exe के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है, इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वाला जो वर्जन है ये केवल 64-bit के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करता है, चाहे ये विंडो 11 हो, विंडो 10 हो, विंडो 8 हो, 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ही ये काम करेगा। यदि 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, आप मत इंस्टॉल कीजिएगा। यदि आपको चेक करना नहीं आता आपके केस में कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस पीसी दिख रहा है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम टाइप के आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यदि आपके केस में यहाँ पे 32-bit लिखा होगा तो आपके केस में ये वाला वर्जन इंस्टॉल नहीं होगा, ओल्ड वर्जन इंस्टॉल होगा। यदि आपके केस में यहाँ पे 64-bit लिखा होगा तो आपके केस में ये वाला लेटेस्ट वर्जन है, ये जरूर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस चीज का आप यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, दोनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा। करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क करने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कम्प्लीट होने तक आपको वेट करना है।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कंप्लीटेड ब्लेंडर सेटअप विजेट लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यदि आप इस exe को कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे जो इंस्टॉल किए प्रॉपर काम करता है या नहीं करता। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ओपन करके चेक कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आपके केस में डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट आइकन होगा, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ब्लेंडर सर्च कर लीजिएगा। सर्च करते हैं यहाँ पे आपको ब्लेंडर दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों तरीका में से किसी एक तरीका से आपको ब्लेंडर ओपन कर लेना है। ओपन करते हैं, इस तरह से ब्लेंडर ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं विदाउट कोई एरर ये ओपन हो चुका है। अब यदि आपके केस में ओल्ड वर्जन था उसका सेटिंग आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप इसका इम्पोर्ट कर सकते हैं। यदि न्यू प्रेफरेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लैंग्वेज का दिख जाएगा। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम क्या चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज है आप अपने हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। की मैप कैसा चाहिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट चाहिए राइट चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्ले चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या है आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेव न्यू प्रेफरेंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप इसको किसके लिए यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आप इस सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। 2D एनिमेशन के लिए करना है यहाँ से कर सकते हैं। यदि आप इसको VFX के लिए यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। आप किसके लिए यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।